हमारी मांग है सीटी में 40% को लेकर, राज्य सरकार जो एक कानून लेके आई है सीटी, उसमें किसी भी वैकेंसी का 15 गुना पास करेगी है। मतलब जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में 100 वैकेंसी है तो ये 15 गुना को बुलाएगी, टॉप 1500 जोरों को। और हम चाहते हैं, हमारी मांग है कि 40% जिसके नंबर आ रहे हैं उनको सबको पास करें। जैसे पिछली बार वीडियो में भी ये इन्होंने 50% लोगों को पास किया था, जिनके 50% बन रहे थे, पहले इनको 15 गुना का ही नियम था। और अभी कंप्यूटर टीचर में, कंप्यूटर अनुदेशक में, इन्होंने 40% से वाले ऊपर वालों को सबको पास किया है, तो फिर सीईटी में क्यों 15 गुना को क्यों पास कर रहे हैं? सीईटी तो एक पात्रता परीक्षा है, हम तो सिर्फ एग्जाम में बैठने का मौका मांग रहे हैं, इनसे कोई नौकरी नहीं मांग रहे। जो सरकार भी वित्तीय भार है, सरकार मांगे नहीं मानती तो मैं अभी तो 15 गुना की लिस्टें नहीं आई, लिस्टें आएंगी, लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार सड़कों पर आएंगे, सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे। अभी चुनावी साल है और फिर हम आगे से आगे प्लान बनाएंगे। सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, सरकार को 2013 के अंदर इसकी 21 सीटें आई थी, वही रिकॉर्ड वापस तोड़ नहीं पाएगी कांग्रेस सरकार, वही रिकॉर्ड बनाएगी। इसी सीईटी को लेके हरियाणा में बीजेपी सरकार ये जो कुछ नियम लेके आई है, कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद है, जो विरोध कर रहे हैं लगातार, आगे भी उनका विरोध प्रदर्शन रहेगा। वो भी सीईटी में 40% की वहाँ मांग कर रहे हैं। और ये कांग्रेस की कतली और करनी में अंतर है कि हरियाणा में तो कांग्रेस वहाँ मांग कर रही है 40% की, और यहाँ हमारे अधिकारी सीएम साहब सुनने को तैयार नहीं है। वो लगातार हरियाणा में कांग्रेस मांग कर रही है, यहाँ कांग्रेस सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कतली और करनी में कांग्रेस की अंतर है के अंदर, जो कि ब्यूरोक्रेसी, जैसे हम बात करते हैं कई अधिकारियों, बड़े अधिकारियों से हमने बात की है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करता है। सब बोलते हैं हाँ होगा, लेकिन अब नियमों का हवाला देकर के हमें मना किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि अब नियम बताए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी हावी है। राहुल गांधी जी ने भी ये कहा है और ये बात सच है, क्योंकि अब जैसे आप देखोगे वीडियो के अंदर 15 गुना वाला नियम था, उसको हटा करके 50% किया गया था। और सीईटी के अंदर क्या दिक्कत आ रही, सीईटी में भी तो वही नियम है, वही वीडियो में थे, लेकिन ये अफसरशाही है जो हावी हो चुकी है राजस्थान में। हाँ, ब्यूरोक्रेसी राजस्थान सरकार में बहुत ज्यादा, हम चाहते हैं कि वो सरकार चलाए, ना कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चलाए। हमारे रिप्रेजेंटेटिव को हमने वोट दिया है तो वो सरकार चलाए ना, जबकि मंत्री लोग, विधायक लोग, जिनसे भी हम मिलते हैं, वो सभी बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी मांग सही है, तुम लोग सही कर रहे हो, और हम तुम्हारी बात सीएम साहब तक पहुंचाएंगे। लेकिन ना तो हमारी बात पहुंचती है, क्योंकि अफसर लोग उनको ऐसे ऐसे नियम बता देते हैं कि वो लोग हमारी बात को वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं। लगभग तो ये ब्यूरोक्रेसी का इतना ज़्यादा हावी होना राजस्थान के लिए सही नहीं है। इससे पहले जब सरकार में ऐसा हुआ है, फिर उस सरकार को मुंह खानी पड़ी। और हम नहीं चाहते कि कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी सरकार है, हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छे लोग हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम उनका विरोध करें। सिर्फ एक सीईटी में 40% करने की हम सिर्फ मांग कर रहे हैं, तो इस मांग को हमारे क्यों नहीं माना जा रहा है?